दरअसल कल ही नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और शपथ के बाद आज पहले दिन से मोदी सरकार एक्शन में दिखने वाली है। बड़ा अपडेट यह है कि आज मोदी 3.0 की पहली बैठक हो सकती है, पहली कैबिनेट बैठक ये हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक आज शाम 5 बजे हो सकती है, लेकिन इस बीच आज ही विभागों का बंटवारा भी हो सकता है, ये भी अपडेट मिल रहा है। आज शाम तक मंत्रालय बांटे जा सकते हैं। दरअसल कल ही पीएम मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी और आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा संभव है, कैबिनेट मीटिंग भी आज हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन से मंत्री को कौन से विभाग की जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये माना जा रहा है कि आज शाम तक विभागों का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा यह तस्वीर अभी क्लियर नहीं है। मंत्रियों को मंत्रालय मिलने का इंतजार है और हर कोई नई सरकार के लिए अपने अपने टास्क का जल्द से जल्द आगाज करने के लिए बेकरार है। राज्य मंत्री बने अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। उत्तराखंड से अजय टम्टा सांसद बनकर दोबारा चुनकर आए और आप फिर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, किस तरीके की उम्मीदें हैं, बातचीत करने के लिए खुद अजय टम्टा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई, पंचायत का चुनाव, उसके बाद उत्तराखंड सरकार में मंत्री बने, फिर केंद्र तक आए और अब दोबारा आपको नया पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं सौभाग्यवान हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार में जगह दी है, सरकार में काम करने का अवसर दिया है और पहले भी मुझे अवसर मिला है, तो इसलिए जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, मैं क्योंकि हमारी सरकार पिछले 10 सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और इसलिए जो डिपार्टमेंट में जो काम चल रहा है उसमें और मैं ये प्रयास करूंगा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी में मैं और अच्छे से खरा उतरूँ, यही मेरा प्रयास रहेगा। अभी तक कोई पोर्टफोलियो की बात हुई? अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया, कोई नहीं, अभी जब भी मिलेगा तो आप सबके बीच में ही होगा और मैं चाहूँगा कि जब मैं पोर्टफोलियो जो भी मुझे मिले आप उसमें सादर आमंत्रित हैं मेरी तरफ से और मेरे कार्यों को आगे बढ़ाने में आप भी अपना योगदान देंगे, बहुत धन्यवाद। खुद भी जिक्र किया कि आप जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं वो चीन से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, काफ़ी टेंशन रहती है अक्सर, आपको लगता है कि अगर डिफेंस जैसा मंत्रालय में आपको जगह मिलती है तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे? नहीं, मैं मंत्रालय में तो मैं आपको पहले बोला है कि मुझे मैं पंचायतों से लेकर के सारे प्रदेश में भी बहुत काम किया, तो इसलिए मुझे कोई भी मंत्रालय हो उसमें मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है कि जो 10 वर्षों से काम चल रहा है उस काम को और ताकत दूं और शक्ति प्रदान करूं। उत्तराखंड सरकार सर पहले ऐसा राज्य था जो यूसीसी लेकर आई और देश भर में से लागू करने की बात तब कही जा रही थी जब मोदी 2.0 की बात करें, अब क्योंकि काफ़ी दलों से मिलकर एनडीए की सरकार बनी है, क्या लगता है कि यूसीसी लागू हो पाएगा या इसके लिए आप लोग आगे प्रयासरत रहें? चूँकि आपने बात करी है तो मैं धामी जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने उत्तराखंड राज्य में जो कि हमारा पर्वतीय राज्य है और उसमें ये कानून ला करके हम सबको धन्य किया है, पूरे देशवासियों को धन्य किया है। आगे जो भी होगा क्योंकि हमारा एजेंडा पॉलिटिकल एजेंडा होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। ओडिशा के नए सीएम को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है, जीसी मुर्मू हो सकते हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री। तो देखिए ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं ओडिशा को लेकर, जहां सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि ओडिशा के नए सीएम हो सकते हैं जीसी मुर्मू। ये तस्वीर आपके सामने, जीसी मुर्मू को लेकर जहां ये अपडेट मिल रहा है सूत्रों के हवाले से, ये कहा जा रहा है कि जीसी मुर्मू नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। आशीष, राजनाथ सिंह को, भूपेंद्र यादव को एक बड़ा जिम्मा सौंपा गया और इसके बाद अब जो ये अपडेट मिल रहा है कि जीसी मुर्मू नए मुख्यमंत्री ओडिशा के हो सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जीसी मुर्मू अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री से उनकी काफी निकटता है। इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान और ज्वेल ओराम के नाम पर भी चर्चा थी कि इन्हें भी मुख्यमंत्री ओडिशा के लिए कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों को ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दे दी है। तो जीसी मुर्मू हमें सोर्सेज इंडिकेट करते हैं कि वो प्रबल दावेदार हैं, उन्हें ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के भी उपराज्यपाल रह चुके हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का भी अनुभव है। और मैं साथ ही याद दिला दूं कि जब नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तब वो उनके निजी सचिव भी थे, तो हर तरीके से क्वालिफिकेशन उनकी ऐप बैठती। और जैसा मैंने आपसे कहा कि सोर्सेज इंडिकेट करते हैं कि इस बात की प्रबल संभावना है कि जीसी मुर्मू को ही ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि आखिरी फैसला इस पे अभी होना बाकी है, संभव है कि इसमें संघ की भी राय इन्वॉल्व हो, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार है और इस बात की कुछ गुंजाइश है कि जीसी मुर्मू को ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए।
धन्यवाद आशीष जानकारी देने के लिए। तो देखिए आधिकारिक रूप से हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जीसी मुर्मू ओडिशा के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है दिल्ली में जल संकट को लेकर, और तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है सड़क पर। ये देखिए दिल्ली में जल संकट को लेकर जहां हरियाणा भवन के बाहर दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो जल संकट का मुद्दा दिल्ली में गहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और कहीं ना कहीं आज जल मंत्री आतिशी की विनय सक्सेना से बातचीत भी होनी है, मुलाकात का समय भी उनकी तरफ से मांगा गया था। वैसे में क्या हल निकल पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। दीपक मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, आप उसी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त क्या कह रहे हैं। देखिए दिल्ली में भीषण गर्मी के साथ हमेशा पानी की किल्लत बढ़ जाती है, और इस बार गर्मी ज्यादा है तो पानी की कमी भी ज्यादा हो गई है। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन है, और आम आदमी पार्टी इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है उनका ये कहना है कि हरियाणा से जो पानी दिल्ली के लिए छोड़ा जाता है वो पानी अब कम छोड़ा जा रहा है, और ख़ास तौर पर हिमाचल से भी जो हरियाणा के जरिए दिल्ली में पानी पहुंचना चाहिए उसमें भी काफ़ी कमी की गई है। राजनीतिक षड्यंत्र इसे दिल्ली सरकार बता रही है, और ऐसे में एक तरफ दिल्ली की जो जल मंत्री आतिशी वो उपराज्यपाल से आज मुलाकात कर रही है, मीटिंग कर रही है, तो दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं मंडी हाउस पर क्योंकि यहाँ से करीबन 100-150 मीटर की दूरी पर हरियाणा भवन है, और यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश है। इनसे बात करते हैं, क्यों कर रही है? आज दिल्ली के लोग बहुत परेशान है, किसी घर में पानी नहीं, लोग बहुत परेशान है, नहाने के बाद छोड़ दो, लोगों के पास में पानी पीने के लिए नहीं है। ठीक है दीपक, तो ये देखिए दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। ये आजाद भारत में दूसरी बार हुआ है जब कोई लगातार तीसरी बार सत्ता के शीर्ष पर विराजमान हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ताकत है जो सियासत को अपने सामर्थ्य से साधती है, जिसकी झलक उनकी कैबिनेट में भी दिखती है। क्योंकि मोदी 3.0 की जो तस्वीर सामने आई वो पहले के मुकाबले न सिर्फ बड़ी है बल्कि युवा जोश और दिग्गजों के अनुभव से बनी है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा
अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये विधि का विधान है, फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश की कमान है। जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे तब घड़ी 7:22 बजा रही थी। वो शाम की विदाई और रात के आगमन का समय था और पूरा राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री मोदी के नाम से गूंज रहा था और प्रधानमंत्री मोदी सुनहरे भविष्य की प्रतिज्ञा ले रहे थे। ये तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ये विधि का विधान है, फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश की कमान है। ये तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने कई देशों के प्रतिनिधि राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जो, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, भूटान नरेश शेरिंग तोमगे और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीम शामिल थे। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजे। इसके साथ ही कई फिल्मी सितारे, कई खिलाड़ी और अलग क्षेत्रों के नामचीन चेहरे प्रधानमंत्री मोदी की शपथ के साक्षी बने। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछली 15 साल में तीसरी बार शपथ ग्रहण में समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान हुआ है। ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण का मैं हिस्सा बन रहा हूँ। मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? बस कोई मैसेज आप देना चाहें? बस देश तरक्की करे। तीसरी बार शपथ लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, क्योंकि आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू ही वो प्रधानमंत्री थे जो लगातार 3 प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई और प्रधानमंत्री बने लेकिन कोई भी नेहरू के इस रिकॉर्ड को छू न सका। लेकिन जो कोई नहीं कर पाया वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे, फैसला उसी वक्त हो गया था जब राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया था और एनडीए के सभी घटक दलों ने एक सुर में समर्थन का ऐलान कर दिया था। एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हालांकि 4 जून को जब नतीजे आए थे तब कुछ पल के लिए जरूर लगा था कि देश का अगला सेवक कौन होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी की सीटें बहुमत के जादुई आंकड़े से कम थीं। उसे उन साथियों की जरूरत थी जिसकी जरूरत बीजेपी को 2014 और 2019 में महसूस नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी सबको साथ लेकर चली थी, जिसका फायदा बीजेपी को इस बार हुआ, क्योंकि जब साथ निभाने की बारी एनडीए के घटक दलों की आई तो वो भी पीछे नहीं हटे। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। अपने पहले 2 टर्म में बीजेपी के पास फुल मेजोरिटी थी, लेकिन इस बार ये विशुद्ध रूप से एनडीए की सरकार है जिसको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर है।
देखिए मोदी 3.0 के कैबिनेट में जिन नामों ने सबसे ज्यादा सबको चौंकाया है उनमें से एक है रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि लोकसभा चुनाव में लुधियाना से हार गए, लेकिन उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। पंजाब से सिख चेहरे के रूप में मोदी सरकार का हिस्सा बने रवनीत सिंह बिट्टू ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और हर सवाल का जवाब दिया। राष्ट्रपति के बगल में खड़े होकर मैं रवनीत सिंह बिट्टू ईश्वर की शपथ लेता हूं, तो इसके बाद किस तरह की तब्दीलियां आती हैं दिल दिमाग में और किस तरीके से ख्यालात बदले हैं आपके बीते 24 घंटे? मैं इसलिए आपको बहुत गंभीरता से ये बात कहना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, जो प्रधानमंत्री जी ने अपना मित्र बता के संबोधन किया था पंजाब में, और एक पंजाबी में कहते हैं हमारे यारी यारी नभानी दोस्ती नभानी, वो अमित शाह जी कोई सीखे, उन्होंने ये कहा था भी ये मेरा दोस्त मेरा यार है, और वही उन्होंने करके कल दिखाया। मैं जीता ना जीता उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ सारे देश में एक ही मंत्री हूँ जो हारने के बाद भी जीत गया। अब जिम्मेवारी मुझे मिल गई है और मुझे वो जिम्मेवारी का एहसास भी है, किस तरीके से वो ब्रिज का काम पुल का काम पंजाब और सेंटर के बीच में करना है, उसकी शुरुआत है, वो हो चुकी है। तो बिल्कुल ठीक बात है, कैबिनेट में आप पंजाब की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन मैं फिर से पहला सवाल अपना दोहराता हूं कि बीते 24 घंटे में रवनीत बिट्टू के लिए क्या कुछ बदला है? फोन आना कि आपको पहुंचना है प्रधानमंत्री आवास, और इसका मतलब यह कि आप शपथ लेने वाले हैं, शपथ लेने के बाद अगली सुबह, बीते 24 घंटे में आपके लिए क्या कुछ बदला है? एक चीज स्पष्ट बता देता हूं, परसों 8 बजे बीएल संतोष जी का टेलीफोन आया भी आपने दिल्ली पहुंचना है, तो मैंने उनको बताया भी मैं दिल्ली में ही हूं, वो उन्होंने पूछ के ठीक है तो दिल्ली में ही रहना। तो सुबह मुझे उनका 8 बजे फिर कल फोन आया भी आप 9 बजे एचएम के साहब के घर पहुंच जाइए, और जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे एचएम साहब और नड्डा साहब दोनों विराजमान थे, और उन्होंने कहा भी 11:30 बजे आप पीएम रेजिडेंस पे आप पहुंच जाइए। तो वहां जब पहुंचे फिर पता चला भी उन्होंने जो अपनी कैबिनेट आगे बनानी है उन सबको लोगों को वहां पे चाय पे इकट्ठा बुलाया हुआ था, और उसके बाद वो डिस्कशंस वहां पे शुरू हुई और 7:45 शपथ जो ग्रहण शुरू हो गया, और उस मंच पे जहां मतलब सोचा नहीं था, एक अलग ही मतलब ये तो लाइफ टाइम में मौका एक बार मिला। क्या प्रायोरिटी होगी मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की? और हालांकि विभाग तो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, शाम को पता चलेगा कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा, लेकिन जो भी डिपार्टमेंट मिले पंजाब के लिए रवनीत बिट्टू के क्या सपने, प्रायोरिटी क्या होगी? और खासतौर पर तब जब बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई, इतने बड़े बड़े प्रयोग किए, कैप्टन अमरिंदर सिंह आए, जाखड़ साहब आए, आप आए, लेकिन फिर भी बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, तो व्यक्तिगत तौर पर पंजाब के लिए और बीजेपी के लिहाज से पंजाब के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या हो? देखो मैं जैसे कहा हूं मेरे मन में शुरू में कांग्रेस में भी यही था, पर कांग्रेस ने कभी मौका ही नहीं दिया, इसीलिए मुझे बड़ा क्लियर था भाई अगर कुछ करना है देश और पंजाब के लिए तो बीजेपी एक पार्टी है, क्योंकि मैंने देखा प्रधानमंत्री के कितना दर्द है पंजाब के लिए, खास तौर सिखों के लिए स्नेह है प्यार है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, तो अगर पंजाब ऐसा होगा तो देश कैसा, इसलिए मेरी प्रायोरिटी पहले ये है भी हर गांव में देश की सेंटर की स्कीम्स वो पहुंचे, किसान मजदूर अपने आप खुश हो जाएगा, जब आज तक हम बता नहीं सके भी देश आपके लिए क्या क्या कर रहा है और कितनी प्रायोरिटी पे है पंजाब। और देखिए 18 जून से संसद सत्र शुरू हो सकता है, 18-19 जून को नए सांसदों की शपथ हो सकती है सूत्रों के हवाले से ये खबर, 20 जून को स्पीकर का चुनाव संभव है कि हो सकता है। तो देखिए 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र 18 जून से शुरू हो सकता है, 18-19 जून को सांसदों की शपथ हो सकती है, 20 जून को स्पीकर का चुनाव हो सकता है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी आशीष हमें देंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र होगा, जो कि माना जा रहा है कि 18 जून से इसकी शुरुआत हो सकती है, और स्पीकर कौन रहेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, और ये कहा जा रहा है कि 20 जून वो तारीख हो सकती है जब 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में स्पीकर मिल सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी ये अपडेट है कि
18 जून से शुरुआत हो सकती है 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र की, और सांसदों की शपथ 18-19 जून को ही हो सकती है, और उसके बाद 20 जून को स्पीकर का भी चुनाव हो सकता है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ज्यादा जानकारी के साथ आशीष फोन लाइन पर इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। आशीष, क्या खबर? आशीष के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, आशीष के पास वापस जाएंगे। लेकिन देख लीजिए, बड़ी खबर है क्योंकि अब नई सरकार का गठन हो चुका है, नई सरकार बन चुकी है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ ले चुके हैं और 71 मंत्री साथ में शपथ ले चुके हैं। हालांकि अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, यह भी माना जा रहा है कि आज शाम तक उसको लेकर भी कुछ अपडेट आ सकता है, लेकिन लोकसभा के पहले संसद सत्र को लेकर अपडेट यह है कि 18 जून से ये जो सत्र है ये शुरू हो सकता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो बीते कल नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, और देखिए कार्यभार अब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया है। तो बीते 10 साल से जिस कार्यभार को, जिस जिम्मेदारी को नरेंद्र मोदी संभालते आए हैं, उस जिम्मेदारी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया है। अपना कार्यभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया है, और ऐसे में यह पीएम का पहला बड़ा फैसला, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है। तो देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते ही ये जो पहला बड़ा डिसीजन है ये प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया, किसान सम्मान निधि, और इसकी 17वीं किश्त जारी कर दी गई है। यह बड़ा अपडेट, कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बड़ा फैसला, किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यभार संभालते हुए, और जैसे ही उन्होंने अपना कार्यभार संभाला तो सबसे पहले जो पहला डिसीजन उनकी तरफ से लिया गया वो किसानों को लेकर, किसान सम्मान निधि को लेकर, जिसकी 17वीं किस्त उन्होंने जारी कर दी है। और किस तरीके से देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में ये उनका सबसे पहला और बड़ा फैसला जो उनकी तरफ से किया गया, किसान सम्मान निधि, जिसकी 17वीं किस्त उन्होंने जारी कर दी है। तो लगातार एक्शन मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट की बैठक भी आज बताया जा रहा है कि हो सकती है, जिम्मेदारी भी मंत्रियों को उनके उनके विभागों की दी जा सकती है। लेकिन इस बीच जो पहला फैसला प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते ही नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया, वो फैसला ये कि किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त उनकी तरफ से जारी कर दी गई है। ये एक बड़ा फैसला, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कार्यभार संभालते। और भीतर खाने की जो तस्वीरें हैं वो भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे फोन लाइन पर। नीरज, बहुत अहम ये तस्वीरें हो जाती हैं, 10 साल से जिस जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री निभाते आए हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए पहला फैसला जो उनकी कलम से है वो ये कि 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की जारी हो चुकी है। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है, आज उन्होंने पहले ही दिन अपने कार्यालय में अपना कार्यभार संभाला, और कार्यभार संभालते ही 17वीं इंस्टॉलमेंट जो करीब 9.3 करोड़ फार्मर्स के लिए है, 20,000 करोड़ की जो धनराशि है उन्होंने साइन की और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिलीज किया। तो ये एक बड़ी बात है कि आज पहले दिन जब आप कार्यालय अपना कार्यभार संभालते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, तो उस समय देश के हजारों लाखों करोड़ों किसानों के बारे में सोचते हैं, और करीब 9.3 यानी कि 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा जो किसान हैं उनके लिए जो 17वीं किस्त है उसको आज प्रधानमंत्री किसान निधि के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की। और आज जब वो कार्यालय पहुंचे तो वहां का भी माहौल देखने लायक था, जब वो कार्यालय के अंदर जा रहे थे तो उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय के सभी कर्मचारी अधिकारी। धन्यवाद आपका अपडेट देने के लिए। तो 1 दिसंबर 2018 को जिस किसान सम्मान निधि की शुरुआत पीएम की तरफ से की गई उसकी 17वीं किस्त आज जारी हो चुकी है।